ज़िंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती, हर एक की ज़िंदगी डिफरेंट होती है, हर एक इम्तिहान डिफरेंट होते हैं, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती और हर इंसान को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है। ये टाइम हो गया 5:30, सोने के लिए तरस रही हूँ, बट काम करना है। मनोसलवा तो उतरना नहीं है, इतने अजीम लोग, इतने नेक लोग तो हमें, तो मेहनत करेंगे तो खाएंगे। अब ये खतरनाक लड़ाई, आय अल्लाह मेरे ऊपर नहीं आ, कैसे नहीं चलता वो लोग, कैसे चलते, कैसे नहीं चलता, कैसे चलते, कैसे नहीं चलता, कैसे डायलॉग आने लगी। मैं कहा डायलॉग से मेरे मुंह थोड़ा सा ठीक कर लूं, तो ये देखिए टेंट मेरा गिर गया। ये साइड भी ग्रे हेयर्स नहीं है, इस साइड बस थोड़े से हैं, पर जब डायल लगाती हूँ तो सारा लगाती। और इस टाइम तक मैं काम कर रही हूँ, 5:15 हो गए हैं, मुझे नींद से मेरा बुरा हाल हो रहा है, इतना बुरा हाल है, क्या करूँ, कमाना तो है ना, तो अब काम करने बैठी हुई हूँ, काम कर रही हूँ। ज़िंदगी सबके लिए एक जैसी क्यों नहीं होती, ज़िंदगी हर एक के मुख्तलिफ क्यों होती है, हर एक की ज़िंदगी, कोई किसी पर ज़िंदगी कम्प्लीट नहीं है, बहुत खुशकिस्मत होंगे जिनकी ज़िंदगी कम्प्लीट होगी, तो कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी हर एक की ज़िंदगी में है, हर बंदा आजमाइश में है, हर इंसान को अपना दुख बड़ा लगता है। अल्लाह ताला सबके हाथ में बेहतरी करे, मेरे हाल में भी बेहतरी करे, क्या कर सकते हैं, जो लगी है वो काटनी तो है ना। ज़िंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती, हर एक की ज़िंदगी डिफरेंट होती है, हर एक इम्तिहान डिफरेंट होते हैं, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती और हर इंसान को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है। ये टाइम हो गया 5:30, सोने के लिए तरस रही हूँ, बट काम करना है, बिल सर पे हैं, बिल आने वाले हैं, इसके अलावा हिबक एडमिशन नेक्स्ट मंथ, उसके एक्सपेंस, आज ऑटो वाले से पता किया 8,000 रुपया मांग रहा था ऑटो का रेंट, हिबक के स्कूल का, और स्कूल की फ़ीस कुछ 6,000 रुपये, मतलब 13,000 सीधा सीधा ये क्या, 8, 13, 14 होता है, 14,000 रुपया ये क्या बस ये फीसिस का है। अभी उसके अलावा एक्सपेंस, बच्ची ने रोज़ चीज़ लेकर जानी, कुछ लंच देना उसको, उसके एक्सपेंस, इसके अलावा स्टेशनरी, कुछ भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है उसके एक्सपेंस, कोई कलर डे आता है उसके थीम के अकॉर्डिंग ड्रेस लेना पड़ता है उसके एक्सपेंस। अल्लाह ही मालिक है, मेरी समझ से बाहर हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ, मैं एक तो सोने के लिए तरफ हुई हूँ, ऊपर से ये सारे काम, ये सारी जिम्मेदारियाँ मुझे पागल कर देती हैं। मैं सोचती हूँ एक स्कूटी ले लूँ, ज़िंदगी थोड़ी आसान कर लूँ, क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा थकती हूँ, इस टाइम मैं तरस रही हूँ, समटाइम्स ऐसा तो मैं तरस रही होती हूँ, मैं सो जाऊँ और ऐसी सोऊँ कि मुझे कोई ना उठाए, तो क्या करें, अल्लाह पाक ने इतना पाला बच्चा दिया वो उठाने के लिए। तो बस अभी मैंने लैपटॉप बंद किया, अभी रखती हूँ लैपटॉप, लगाती हूँ चार्जिंग, फिर मैं खुद सोती हूँ। मनोसलवा तो उतरना नहीं है, इतने अजीम लोग, इतने नेक लोग तो हमें, तो मेहनत करेंगे तो खाएंगे, क्या कर सकते हैं, ना किसी के सर पे एहसान है, ना ही कोई बात ऐसी, बस अपनी औलाद के लिए करते हैं, दिखाती सिर्फ इसलिए उन लड़कियों के लिए जो कि टूट जाती हैं, उनको लगता है हम कुछ कर नहीं सकते मट के सहारे के बगैर, या वो इस चक्कर में ना अपने आप को अगे नए गलत आदमी के सपोर्ट कर देते हैं, तो इसलिए बताती हूँ कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं हैं और औरत कमज़ोर नहीं है, वो चाहे तो अपनी औलाद के लिए वो सब कुछ कर सकती है जो उसके ख्वाब होते हैं। तो बुरा वक्त होता है, कर जाता है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, टाइम के साथ साथ आपको सब कुछ मैनेज हो जाता है, कुछ नींद की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कुछ ख्वाहिशात की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कुछ ख्वाबों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और फिर आप अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, जैसे मैंने क्यों सुबह उठ के मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। नाश्ता करने लगे प्याज और अंडा और पराठे, बह कैसा, बहुत मजे का। अब ये खतरनाक लड़ाई, आय अल्लाह मेरे ऊपर नहीं आना। 1, 2, 6, 4, 9, 2, 6। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूं सब खैरियत के साथ होंगे, मैं भी बड़ी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, तो आने वाली न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल जाए, कोई भी ब्लॉग आप मिस मत करें। इस चैनल पर मैंने देने के मोस्ट रियलिस्टिक ब्लॉग, इसमें कोई फेकनेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, एक सिंगल मैं की रियल लाइफ में एक रियल स्ट्रगल मिलेगी, समझ आ गया कि कभी भी ऊपर आई हूँ जी बहन, आपकी सुबह
6:30 और उसके बाद उठ के नीचे गई थी, नाश्ता उशा किया, नाश्ता वगैरह करके फारिग हुई। मैंने कहा चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कुछ खाने को दिल कर रहा था तो मुझे याद आया कि मेरे पास तो कुछ खाने को पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ये जी मजे का चक्कर, उसे मैं लेकर आई थी मजे का चक्कर, ये पड़ा हुआ है। दो पैकेट लेके नीचे चलते हैं, ये चीज़ें की खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ और फिर मजे करते हैं। डाई लगाने लगी, मैं डाई लगाने से मेरे मुंह थोड़ा सा ठीक कर लूँ, तो ये देखिए टेंट मेरा गिर गया। यहाँ से मैंने टेंट साफ किया, टेंट की हालत देखिए, मेरे हाथों की हालत देखिए, टेंट को रखते हैं वापस की जगह पर। ये देखिए जी डाई करना था, हाथ पहले डाई हो गए और यहाँ पे ना ड्रेसिंग भी शाइन शाइन सी छोड़ गया है। और लगाओ जी वाटर प्रूफ टेंट, धोने से भी नहीं उतर रहा, मुँह पर लगा इतना सा और हाथों पे लगा राज के, वहाँ पे भी लगता ज़्यादा ही लग गया। खैर कपड़े चेंज करती हूँ फिर डाई लगाते हैं, क्योंकि डाई तो लगाना ही लगाना है जो भी हो जाए, आधी आए तूफान आए। मैंने यहाँ पे कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, बालों को करते सबसे पहले ब्रश डाई को मिक्स एंड देन लगती हूँ डाई मिक्स कर लेती हूँ। डाई यूज़ कर रही हूँ मैं कलर सिल्क का, ये इसका नंबर है क्या नंबर 30 नंबर है, ये डाई मैं यूज़ करूँगी और इसको जितना भी टोटल सारा इसको मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद बनाती हूँ, कुछ भी इसमें से कमी पेशी नहीं है, जितना बॉक्स आता है उतना सारा लगाऊंगी। अभी मैं ब्रश शुरू ही करने लगी, मालूम है नीचे दर्द नोक होता हुआ दो तीन दफ़ा सुनाई दिया मुझे, नहीं दूध लाया हुआ था, अम्मी सो रही थी नीचे, एकदम से सांस मेरा फूल गई, जल्दी जल्दी गई हूँ कि आइडिया होगा दूध वाला चला जाना चाहिए, फिर दूध नहीं होगा, चाय भी नहीं पीनेगी अभी, दूध नहीं पी सकेगी, तो भागी भागी आई। बाल कौन सा लेने के बाद ये दराज से मैंने मंगवाया हुआ है एक एप्रन जो बाल डाई है वो कब पहनो, तो कपड़े गंदे नहीं लगे, मैंने बहुत रफ शर्ट पहनी है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इसके बावजूद मैं नेक को बचाते हुए ये पहन लूँगी इस तरह से। कटिंग के लिए पहन सकते हैं आप इसको जो है डाई के लिए, कुछ लोगों को ना इस पर मेरी वीडियो देख के लगता है मैं पार्लर में काम करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं किसी सैलून में किसी पार्लर में काम नहीं करती, दराज से आपको इजीली मिल जाता है, मैंने दराज से मंगवाया है क्योंकि ये कटिंग मैं करती हूँ अपने खुद ही घर में बच्चों की और सब, तो इस वजह से मैंने अपने यूज़ के लिए घर के यूज़ के लिए मंगवाया ताकि कपड़े गंदे ना हों और हम ट्राईपॉड को सेट कर लें। एक मिनट, इस तरह से मुझे कैमरा नज़र नहीं आ रहा है, बैक कैम से वीडियो बना रहा ना तभी। अच्छा ये कलर लेंगे फटाफट से खोलते हैं, वाह ASMR वाली वीडियोस होती है ना ऐसा साउंड कह रहा है। अच्छा जी इसको खोला हमने, एक इसके अंदर से निकला है कलर, डेवलपर जाना नहीं है टेंट की तरह, एक मिला है ये कंडीशनर जो आफ्टर वॉश आपने लगाना है और इसके अलावा एक ये पेपर जिसको आप एज अ मैट नीचे बिछाएंगे इसके ऊपर कलर, ताकि टेबल गंदा ना, उतना बड़ा पेपर होता है, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ इसके ऊपर लिखी हुई है, इसके अलावा इसके ऊपर ग्लव्स भी पेस्ट करते हैं, इस तरीके से ग्लव्स को हम उतारेंगे पेपर को बिछाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे आप कलर मिक्स करते हैं, कलर जितना भी है सारा ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई भी काम शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ के करें, अगर बढ़कर देता है टाइम ही बढ़कर बढ़ जाएगी और मेरे हाथों का हाथ अच्छी तरह सारा कलर निकाल लेना, और कलर निकाल के अपने अंदर करना कंजूस से बंदा निकालें क्योंकि कलर बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो बॉटल में लगा रहे वेस्ट और उससे बेहतर है कि आप सर में लग जाए।
अच्छा जी, यहाँ पे कलर निकाल दिया मैंने, ग्लव्स को पहन लेते हैं। ग्लव्स के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मज़ा आता है पहनने का, फुल फिंगर्स अंदर चले जाते हैं। जो दूसरे ग्लव्स हैं ना सैमसंग वगैरह के, वो चिपक जाते हैं, वो शॉपर मटेरियल के होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। पर इसके ग्लव्स भी अच्छे हैं, ग्लव्स पहन लिए। अब फिल्म को करते हैं मिक्स, आहिस्ता 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 आपने इसको मिक्स करना है, ताकि गिरे ना। यकजान कर लेना आपने इसको। डाई यहाँ पे अच्छे मिक्स हो गया है, सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सेंटर में सबसे पहले हम मांग निकालेंगे और बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कुछ इस तरह से। चाहे तो अगेन ब्रश कर लें, चाहे तो ऐसे अप्लाई कर लें। मैंने जी ब्रश कर लिया। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और उसको एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे इस पर कुछ इस तरह से, क्योंकि मैंने जस्ट एक टचअप देना है। कोई ऐसा कलरफुल कलर तो मैं कर नहीं रही ना जो के पूरे आपको लेंथ में अप्लाई करना होगा, इसलिए इतना बहुत है। ये कलर भी स्किन कलर जो नेचुरल कलर बाल है ना उनके साथ बिल्कुल मैच है। उस तरीके से आपने इसके तेल की मदद से मांग निकालते जाना है और कलर लगाते हैं। तो कलर आप इस तरीके से घर में अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, अपना भी जैसे मैं कर रही हूँ। तो छोटे छोटे कामों के लिए पार्लर जाना छोड़ें, अपनी बचत करें जितनी हो सकती है इस महंगाई के दौर में, और अपने काम खुद करें जैसे मैं करती हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये साइड भी ग्रे हेयर्स नहीं है, इस साइड भी बस थोड़े से हैं, पर जब डाई लगाती हूँ तो सारा लगाती हूँ ताकि इक्वल टोन हो बालों की। मैंने बड़े कलर यूज़ किए हैं, मतलब जब फर्स्ट टाइम किया मैंने लॉरियल का यूज़ किया था, मुझे बिल्कुल मेरे बाल बहुत ज़्यादा रूखे रूखे से हो गए थे ड्राई, मुझे लॉरियल का कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि इतना महंगा कलर भी लो उसके बाद भी आपको रिजल्ट ना मिले, बाल आपके बिल्कुल रूखे झाड़ू जैसे हो जाए, फ़ायदा कोई नहीं है। तो एक तो ये पॉकेट फ्रेंडली है, इतना महंगा नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, एक मुनासिब सा उसका रेट है और कलर बहुत अच्छा है, मज़ीद बालों को वाइट नहीं करता, अमोनिया फ्री है। तो मुझे तो ये बुखार ज़्यादा पसंद है क्योंकि बालों को सॉफ्ट बहुत करता है ये कलर, इस जैसा कलर नहीं मैंने देखा। एप्लीकेशन मेरे बालों में सारी हो गई है और कलर बच भी गया है, मुझे लगता है मैंने गलती कर ली सारा कलर मिक्स करके। अब अम्मी को बुला के ना अम्मी के बाल डाई करने पड़ने हैं क्योंकि कलर बच गया है, इसलिए अब हम अम्मी पे कलर यूज़ करेंगे ताकि हमारा कलर वेस्ट ना हो। वह हमेशा कहती मम्मा मेरे सामने करे, वो इतना रोला डालती है हर जैसे मैंने कोई चीज़ खोली उसने ड्रॉर्स खोलने बैठ जाने, कोई चीज़ नज़र आ गई उसके पीछे पड़ जाएगी, फिर मैं उसके सामने अवॉइड करती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं कोई काम ना करूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम को बढ़ा देती है। बच्चे यहाँ समझ नहीं है क्या कर सकते हैं, वो भी मजबूर आदत से बच्चे होने से। ये जूला स्टिक जो मैंने दराज से मंगवाई थी बहुत अच्छी है, बहुत कम्फर्टेबल है, ईजी टू यूज़ है और इतनी लॉन्ग नहीं कि बाय में हिजाब में कोई मसला करे, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। रेगुलर यूज़ के लिए मैं ये जूला स्टिक ही यूज़ कर रही हूँ। कैचर से मेरे सर में दर्द हो जाती है, वो बाल कहीं ना कहीं से खिल जाते हैं। तो यहाँ पर डाई हो गया हमारे कंप्लीट, ग्लव्स को उतारते हैं
और कैमरा को बंद करते हैं। तो कैमरा को बंद कर लेते फिर ग्लास को डालते हैं। आयशा लगा के वाइप्स की मदद से मैं अपना जो स्किन पर ड्राई लग गया उसको क्लीन कर रही हूँ। अगर आप नहीं भी क्लीन करते वॉश करने से ये ड्राई उतर जाता है स्किन से, तो मसला कोई नहीं। मैं कर रही हूँ अनु के कहीं राय का मैं कहती भी मैंने नहीं डाइज आया। Two hours later. तो यहाँ पे जो अरबी चिकन और रोटी खाना खा रहे हैं। मैं रात की चाय पी रही हूँ। हिबा ने बैलून फुलाए हुए हैं, बैलून पंप वो पड़ा हुआ है और हिबा ने ये चाय फिनिश की है। थोड़ी सी चाय थी वो पंप पड़ा हुआ और टाइम हो गया, ये सोने का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। बस 3 बज गए बेटा, सो जाओ, सोने का टाइम है मेरे बच्चा। ये ट्राईपॉड वाला लगा हुआ है, काम कर रही थी, शूट कर रही थी, इस वजह से बस चाय पीती हूँ। हिबा को सुलाती हूँ। क्या हुआ? ब्लैंकेट लेते हैं ना। अच्छा ठीक है। बाकी कपड़े धो के ये फिलाए हैं, बहुत इजीली सूख जाते हैं अपने। मैं झूले के ऊपर फिला लेती हूँ, बाकी यहाँ फिला लेती हूँ। लो जी 2 घंटे डाई लगाया, डाई लगाने के बाद वॉश किया एंड द लुक, फाइनल लुक आप लोग देखें कितने खूबसूरत बाल, कलर टोन इक्वल। हालांकि मैंने जस्ट रूट टचअप किया है, आप देख सकते हैं बाल ऐसा नहीं कि कलर फेड हो जाता है, जो एक दफ़ा डाई हो गया वो फेड नहीं होगा आपका। तो मैंने सिर्फ इतने तक लगाया, बट ये बाकी भी देखिए आप इक्वल टोन है, ये फेडेड नहीं होता कि कुछ अर्से बाद कलर उतर जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये कलर बहुत 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 अच्छा है और ये है मेरी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं मेरा दिल किया कि जो मैं बाल को स्ट्रेट वगैरह कर लूँ और ऐसे। आपने जब भी ड्राई करना हो अमोनिया फ्री ड्राई करें, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम ड्राई करते हैं जब भी कलर आप लगाते हैं वो आपके बालों पे बहुत इफेक्ट करता है। ये बालों को मज़ीद एक्स्ट्रा वाइट नहीं करता है, कलर बहुत अच्छा है और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये बात हो गई हुई है तो अपना व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। बस आपको एक फाइनल लुक दिखानी थी। उम्मीद करती हूँ आज व्लॉग आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे लाइक कर देखो सेशन कमेंट सेशन में जो बताएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करना। चलो एक न्यू वीडियो के साथ।